बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी। ये क्या हो रहा है? ये हवाएं वापस कैसे जा रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस काम चोर आलसी तौबा तौबा ने तीन चक्रों को घुमाना बंद तो नहीं कर दिया? ऐसा ही हुआ होगा। अभी उस काम चोर की खबर लेती हूं। ना लायक काम चोर तौबा तौबा, क्या कर रहे हो? हिम चक्र की हवाएं परीलोक पर पहुंचने वाली थी, लेकिन तुमने उसे घुमाना बंद कर दिया। क्यों? नहीं होगा, ये सब मुझसे क्यों करवा रही इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से? परी भयंकर, थक गया हूँ मैं। है नहीं है मेरे बस की बात। अरे हूँ मैं आपका प्रधान, ना कि कोई कूनू का बैल जो घूमता रहे दिन रात। और जब बना सकती आप इस विशाल हिम चक्र को अपने जादू से, तो चला क्यों नहीं देती इस हिम चक्र के पंख को अपने जादू से? तो जादू से चलाना चाहते हो तुम? अच्छा है, अब जब गलती मैंने की है तो उसका सुधार भी मैं ही करूंगी। हाँ, रहेगा ये ठीक। ये मामूली चाबुक चलाएगा इस विशाल हिम चक्र को? ये चाबुक इस हिम चक्र को नहीं तौबा तौबा, ये चाबुक तुम्हें चलाएगा। अरे क्या कर रही हो आप परी भयंकर? अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? तौबा, क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो इसे। अरे क्या कर रही है आप परी भयंकर? अपनी गलती सुधार रही हूँ तौबा तौबा। एक आलसी को काम पर लगाया है तो उसे चलाने का भी इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं, ये चाबुक तुमसे काम करवाएगा। और जैसे ही तुम रुकोगे, ये चाबुक तुम पर बरसेगा। और तब तक बरसेगा जब तक तुम हिम चक्र के पंखों को घुमा नहीं देते। है ये बेकार की बात, नहीं करूंगा मैं ये सब परी भयंकर। अरे उठा रहा हूँ। लगा मेरा तुमसे काम करवाने का ये उपाय तौबा तौबा? आपकी तरह बेकार और बकवास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात गणपति जी मेरे सामने खड़े। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ गणपति जी। खुश रहिए गणपति जी, खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बालक, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। गणेश जी, आप मुझे बालवीर मत कहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे साथ जो होता है मुसीबत उसके पास कभी नहीं आती बालवीर। अरे हाँ, आप तो विघ्नहर्ता है बालवीर। तुम तो खुद अच्छा और सच्चाई के प्रतीक हो, अच्छे और सच्चे बच्चों की रक्षा करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ कैसे कभी बुरा हो सकता है। पर गणेश जी, आज आप पृथ्वी पे कैसे? अरे भूल गए, तुमने ही तो मुझे न्योता देकर। मोदा खाने के लिए बुलाया था। और जो मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ और खूब ढेर सारे मोदक खाता हूँ। हाँ, मैं आपके आने का कब से इंतजार कर रहा था। क्या पाएंगे, मोदक खाएंगे और फिर मैं भी मोदक खाऊंगा। तो फिर देर किस बात की, मैं तो मोदक खा चुका हूँ, अब तुम भी खाओ। चलो मैं तुम्हें मोदक खिलाऊंगा। तुम यहाँ? जहाँ आप वहाँ मैं प्रभु। तो मोदक खाना है ना, खाओ। पर आराम से, थोड़ा सब्र करो। कैसे सब्र करूं प्रभु, इतने स्वादिष्ट मोदक बने हैं, मैं बालवीर की दादी के बनाए हुए प्रसाद का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता प्रभु। मिठाइयाँ, कितनी तरह की मिठाइयाँ। अरे नहीं मोशक, अरे 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 मोशक रुको। बस ये आखिरी मलाई मोदक और खाने दीजिए प्रभु, बस ये आखिरी। अरे मोशक मत खाओ, बस मोशक बस। अरे कौन है वहाँ, कौन है? ये तो पापा की आवाज है, लगता है पापा जग गए और शायद वो यही आ रहे। फंस गए। कौन है, कौन है, ये कौन है? हे बेटा बल्लू, बल्लू बेटा इतनी रात गए हैं ऐसे अकेले, तू क्या कर रहा है? और ये बर्तन कैसे गिरे? वो मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर पता नहीं अचानक कहाँ से मूषक आ गया और ये बर्तन गिरा कर चला गया। अच्छा मूषक आया था, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी निशानी है। बेटा पता है मूषक है ना, वो गणेश जी की सवारी होता है। मूषक आया है तो गणेश जी भी जरूर आए होंगे मोदक का प्रसाद खाने। हाँ, वो आए भी और उन्होंने मोदक खाए भी। मतलब आए भी होंगे और मोदक खाए भी होंगे। लू, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है ना आरती के लिए। हाँ। जा। है
परिलोक सबसे अच्छा लोक, बस मिलती नहीं यहाँ पर पृथ्वी लोक की हिमक्रीम, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी। अच्छा तो इस हिम क्रीम को सिर्फ देखते हैं क्या? खाते हैं। ठंडी ठंडी हिम क्रीम, अलग अलग रंगों वाली हिम क्रीम, ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी, जिसे मुंह में डालते ही पिघल कर पूरे शरीर को ठंडा कर देती है। अरे सिर्फ सुनने से ही हिम क्रीम की ठंडक महसूस हो रही है मुझे। मुझे भी। मुझे भी। अरे वाह, वाह वाह, सिर्फ याद करते हिम क्रीम के पड़ने लगी है हिम परिलोक में यहाँ। अब बस बरस जाए हिम क्रीम यहाँ भी, तो बन जाएगी हमारी हिम क्रीम भी यहाँ। हिम क्रीम, 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 हिम क्रीम। भटकाती परी, ये परीलोक का मौसम कैसे बदल रहा है? हाँ, परीलोक का मौसम तो कभी नहीं बदलता, फिर ये क्या अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है? सिर्फ ठंड नहीं, यहाँ बर्फ गिर रही है, और परीलोक में ऐसा होना असंभव है। ये क्या फर्क पड़ता परियो, हमें तो आता है मजा हिम में खेलने में ही। ये खेल कूद की बात नहीं है डूबा डूबा एक, परीलोक का इस तरह से मौसम का बदलना ये गंभीर विषय है, और परीलोक का मौसम बदल रहा है ये बात जाकर हमें बाल परी को बतानी चाहिए। चलिए अटकाती परी जी। अरे मुंह क्यों लटका हुआ है? बजेगा सुरक्षा बपू, चले जाएंगे हम, तब तक तो हम हिम के गोले के साथ खेल सकते हैं ना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो बालवीर। आज आप पृथ्वी पे कैसे? तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। माना, आज इस लल्लू को क्या हो गया है? तो बस ये मुस्कुरा रहा है। जरूर कोई अच्छा सपना देखा होगा। हाँ, कौन सा सपना देखा होगा? अब मुझे क्या पता मेहर। हाँ। और हम लोग अपने दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हम लोग चलकर उसी से पूछ लेते हैं ना। बल्लू, बल्लू क्या चल रहा है? मैं चल रहा हूँ और बाकी सब अपनी जगह पे हैं। एक मिनट, इसके कहने का ये मतलब है कि तू कुछ सोच सोच कर खुशी से हंस रहा है ना, वो बात क्या है? वो गणेश जी। मतलब गणेश जी कहता है ना कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, इसलिए मैं हंस रहा था। अच्छा, तो तू किस पे हंस रहा है? तुम पे। मुझ पे? अरे तुम पे नहीं, मानव मुझ पे हंस रहा है तू बल्लू। अरे तुम पे भी नहीं, मैं तो मानव और तुम्हारी बातें याद करके हंस रहा हूँ। और मुस्कुराना कोई गुनाह है क्या? चलो चलो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बल्लू सीधे सीधे अपनी सीक्रेट बात बता दे, वरना पीट दूंगी। मेहर सीक्रेट है? सीक्रेट किसी को बताते हैं क्या? बल्लू अरे वाह मेहर, देख गणपति जी का कितना सुंदर पंडाल है। चल हम कल रात वाली विश फिर से एक बार गणपति जी को याद दिला देते हैं। हाँ चल चल।
कौन से विष? वो हम तुझे क्यों बताए? तूने अपना सीक्रेट बताया था क्या? चल मानव, चल। वाह महर, देख कितनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। हाँ चल मानव, हम गणेश जी को हमारी विश याद दिला देते हैं। चल गणेश जी, वैसे मुझे पता है कि आपको तो याद ही होगा हमारी विश जो हमने अपने पापा के लिए मांगी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको तो सबकी विश पूरी करनी होती है, तो इसलिए एक और बार आपको याद दिला दे हमारी विश। हाँ गणपति पापा, प्लीज प्लीज इस साल हमारे पापा को स्कूटर दिला दो, उनका सपना पूरा कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ गणेश जी, ये प्रार्थना तो मेरी भी है आपसे कि आप मानो मेहर की इच्छा पूरी कर दीजिए। सुना तुमने? अरे सुना तुमने? रोहित केवल, सुना तुमने? मानो मेरे को पापा के लिए स्कूटर चाहिए, अब तुम देखना मैं उनके पापा का कैसे सपना पूरा करता हूँ स्कूटर दिला के। बॉस मेरे पापा का भी सपना था उनके पास भी कार हो। हाँ बॉस मेरे पापा का भी उनके पास साइकिल हो। बेवकूफो, ये सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। मानो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के इतने करीब लेकर जाऊंगा और तुमसे सपना छीन लूंगा, जैसे तुमने मेरी गणपति बप्पा की मूर्ति छीनी थी। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगे। रोहित केवल, रोहित केवल, सुना तुमने? कैसे लगा? बहुत टेस्टी बॉस। हाँ बस मैं तो बताऊँ, आप भी खा लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैं पूछ रहा था कि मेरा प्लान कैसे लगा। बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा लगा ना, चलो। बेचारी लाचार, कमजोर और शक्तिहीन परियां कैसे मुकाबला करेंगी मेरे इस बार का बिना अपनी रानी परी और शक्तियों? अब कुछ ही समय में ये पूरा परीलोक बर्फीला हो जाएगा और उसकी ठंड में कांप कांप कर तड़प तड़प कर ये सारी परियां उस बर्फ की चादर में समा जाएंगी।